मिस्ट्री गर्ल रेखा और किरण कुमार की अधूरी प्रेम कहानी। मिस्ट्री गर्ल रेखा और हिंदी फिल्म के जाने माने खलनायक जीवन के सुपुत्र किरण कुमार की किसी समय दोनों एक दूसरे की प्यार में थे। रेखा किरण को मामा बॉय के नाम से मुखालिफ करती थी, लेकिन इन दोनों के बीच इसी वजह से तनाव इतना बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे से किनारा कर लिया। दरअसल रेखा ने साल 1975 में स्टार टाइम्स मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था, जिससे उसने दोनों की इसकी नाकामी पर खुलकर बात की थी। रेखा ने किरण कुमार से रिश्ता टूटने की वजह किरण का मामा बॉय होना बताया था। रेखा ने कहा था कि किरण कुमार इतना बड़ा होने के बाद भी हमेशा मामा बॉय ही बनकर रहा। मुझे उसके साथ रात को थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता था, लेकिन रात 10 बजे के बाद उसे किसी भी कीमत पर घर जाना ही होता था। वो इसलिए कि 10 बजे मामा द्वार बनाया गया दूध का गिलास इसे पीना ही होता था, और उसका ये आज्ञाकारी अवतार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर बात करें किरण कुमार की, तो उससे भी रेखा द्वारा मामा बॉय बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। किरण का कहना था कि रेखा हमेशा उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम आवाज निकालकर उसको फ़ोन करके चिढ़ाती रहती थी, जिसके कारण जिसका किरण को बहुत बुरा लगता था। और किरण के पिताजी जीवन जी भी रेखा को अपने घर के बहू बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे। इन दोनों का इश्क किसी से छुपा नहीं था, बस इसी वजह से इन दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई। बाद में किरण ने तो शादी कर ली, लेकिन रेखा जिंदगी की उलझन में ऐसे उलझी कि आज तक वो अकेली तो है ही, साथ साथ उसने अपने जिंदगी भी मिस्ट्रियस बना रखी है। लेकिन किरण कुमार ने हाल ही में बयान दिया था कि रेखा जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझसे टकराएगी तो ज़रूर उसी दिन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोग ने रेखा या किरण कुमार की कौन सी फिल्म देखी है जो आपको अच्छी लगी है? ये थी दोनों कलाकार की स्टार की निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। स्टोरी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को भी उत्साहित करिए, जैसे मैं आप लोग के पास ऐसे ऐसे मिस्ट्रियस स्टोरी पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।